तो हेलो एवरीवन, कम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है, और वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशन। उसके अलावा क्या है, पावर जो होता है, जो हम लोग पावर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर में। तो ये सब आज का टॉपिक है। बेसिकली एक टॉपिक जो है ना, मैं आज को आप लोगों को आज बहुत कम न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, बहुत इजी, लेकिन इसका जो फील होगा वो मैं आप लोगों को ट्रांसफर करने वाला हूँ, ठीक है ना, डिलीवर करने वाला हूँ। कैसे, तो देखिए आप लोगों को समझ आएगा। तो वर्क डन जो निकालते थे हम लोग, पहले जो लीनियर मोशन जब होता था उसमें हम लोग वर्क डन कैसे निकालते थे, उसमें वर्क डन निकालते थे किस तरह, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस या डी एक्स, जो भी हो डिस्प्लेसमेंट होता था, ठीक है। अब ये हम लोग निकालते थे, ये क्या चीज में था, तो लीनियर मोशन में। उसी तरह उसी एनालॉजी को यूज करके क्या करेंगे, वर्क डन इन रोटेशन में कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल ये तो होगा, फोर्स की जगह पर हम लोग क्या लेते हैं रोटेशन में, तो फोर्स की जगह पर आता है हम लोगों को रोटेशन में क्या, तो टॉर्क, क्या आता है टॉर्क डॉट डी एक्स, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग लीनियर मोशन में लेते थे, सिंपल ये जो डिस्प्लेसमेंट होता था ये वाला, लेकिन हम लोग क्या एंगुलर मोशन में किस तरह लेते हैं, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एंगल थीटा, ये थीटा लेते हैं, और क्या चीज में, तो रेडियन के फॉर्म में होना चाहिए, क्या चीज में, रेडियन के फॉर्म में। तो ये है फॉर्मूला बेसिकली वर्क डन का, ओके। और इसका डेरिवेशन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, क्या चीज का, तो काइनेटिक एनर्जी का। कैसे, तो सिंपल है कि यहां पर रिजिड बॉडी लेंगे कोई भी, रिजिड बॉडी जिसको बोलते हैं, जिसके बीच दो, जिसके जिस बॉडी के दो पार्टिकल होता है ना, मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल m1 है जिसका मास m1 है, यहाँ पर m2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कभी चेंज नहीं होगा, उसी को रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब ये एक रिजिड बॉडी है, और जो रोटेशनल मैकेनिक्स वैलिड होता है, रोटेशनल मैकेनिक्स बेसिकली जो रोटेशन वाला जितना टॉपिक है, एंगुलर चीज वाला जितना है, वो क्या चीज में वैलिड होता है, तो सिर्फ रिजिड बॉडी में, नहीं तो मान लीजिए वाटर में लगाएंगे, पानी में, तो वो क्या हो जाएगा, तो बह जाएगा ना, जिसे रखेंगे वो फ्लो करने लगेगा, और आप लोग कुछ में ऐसा चीज जो क्या करे, तो बह जाए या फ्लो कर जाए, वो उसमें हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन जो रिजिड बॉडी है, टाइट, जिसे मार्कर है, ऐसा बॉडी जिसको हम लोग तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन इसको छोड़ेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है। अब इसका प्रूफ कैसे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो ये एक्सिस है जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा ओमेगा से। अब एंगुलर जो स्पीड होता है ना, वो हर पार्टिकल का सेम होता है, इसमें हम लोग यहाँ पर जो पार्टिकल कंसीडर करें, यहाँ पर कहीं पर भी कंसीडर करें, जो एंगुलर स्पीड होता है वो कॉन्स्टेंट होता है सब पार्टिकल का, ठीक है। लेकिन जो लीनियर स्पीड होता है वो अलग होता है, क्योंकि जो वी होता है आर ओमेगा होता है, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर बेसिकली होता है, इस तरह होता है डिफाइन, लेकिन हम लोग लिख देते हैं v इक्वल्स टू r ओमेगा, डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए निग्रेस्ट कर देते हैं, लेकिन ओमेगा क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो कुछ भी पर नहीं, लेकिन जो है ना ओमेगा कुछ भी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ पर जो पार्टिकल कंसीडर करेंगे m1, इसका वेलोसिटी जो जितना होगा ना v1, और यहाँ पर जो पार्टिकल करेंगे m2, इसका जो वेलोसिटी होगा v2, वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा v1 से, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। जो एंगुलर स्पीड होगा वो यहाँ पर जो ओमेगा वन होगा, यहाँ पर भी जो ओमेगा वन होगा, दोनों का बराबर होगा, ठीक है, ओमेगा ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा टू, ठीक है, दोनों बराबर होगा, रिजिड बॉडी में ये सिर्फ होता है, समझ में आ गया ना। अब देखते हैं इसका प्रूफ, हम लोग क्या करेंगे, यहां से आएंगे आर वन डिस्टेंस पर एम वन मास काट लेंगे, ठीक है, एम वन मास, इसका काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, तो कैसे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास m1 इंटू आर क्या है, तो v कुछ v वेलोसिटी से चल रहा होगा, कितने से v वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से चल रहा होगा, v1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब v1 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो v1 को लिखेंगे r1 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा हर सबका कांस्टेंट है, जितना है सबका कांस्टेंट ओमेगा, जानते हैं ना, ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे r1 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक। अब क्या हो जाएगा, हाफ एम वन आर वन का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो समेशन एम वन एम आई आर आई का स्क्वायर आई इज इक्वल टू वन टू एन टाइम्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली करेंगे क्या, कि ये तो काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल इसका हो गया है, वो एक पार्टिकल का, लेकिन हम लोगों को टोटल रिजिड बॉडी का लेना है, तो ये ओमेगा तो सबका कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है टोटल बॉडी का लेंगे तो कितना हो जाएगा आई, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कैसे हुआ, मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ।
तो ये काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल का मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, एक पार्टिकल का मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हाफ एम वन आर वन का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, ये एक पार्टिकल का हो गया। टोटल पार्टिकल का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इस तरह इंफिनिटी तक जाएगा। टोटल सम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी टोटल आ गया। ये एक पार्टिकल का था, ये वाला जो था ना ये एक पार्टिकल का था, लेकिन ये जो है ना ये टोटल बॉडी का, ठीक है, टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके, मान लीजिए रॉड हो, स्फीयर हो, जो भी रिजिड बॉडी हो, उसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है और ओमेगा फाइंड करना है, हम लोगों को क्या मिल जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, समझ में आएगा ना। ओके, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग सोचते हैं कहीं कहीं पर, मान लीजिए कि क्या है, एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पर एक रॉड है, यहाँ पर उसको फिक्स किया गया है और इसको क्या चीज कर रहा है, रोटेट कराया जा रहा है ओमेगा से। हम लोग सोचते हैं इसके पास लीनियर स्पीड भी है, इस पार्टिकल यहाँ पर जो इसका पार्टिकल होगा यहाँ पर क्या है, लीनियर स्पीड भी है, डीएम मास के पास छोटा सा, तो इसके पास कुछ लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा होता, हम लोग उस तरह नहीं फाइंड करते। हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, हम लोग मान लीजिए हम लोगों को टोटल फाइंड करना पड़ेगा लीनियर काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग पागल हो जाएंगे कैसे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर मास करेंगे, उसका देखेंगे डिस्टेंस यहाँ से, तो निकालेंगे इस तरह, वो अलग बहुत खतरनाक प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल बॉडी का, टोटल रॉड का, और ओमेगा सबके लिए कॉन्स्टेंट है और हाफ सबके लिए कॉन्स्टेंट है, तो निकल जाएगा, ठीक है। अब रोलिंग जब होता है, तो प्योर रोटेशन में हम लोग ये लगाएंगे, प्योर जब रोटेशन होगा ना, दिस इज वैलिड व्हेन प्योर रोटेशन ओकर, ठीक है, क्या हो, तो प्योर रोटेशन में ये सिर्फ वैलिड है, ठीक है। मान लीजिए रोलिंग हो रहा है तो उसमें क्या लगाते हैं, रोलिंग में वो तो मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा रोलिंग में क्या लगाना है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या है, व्हील है, ठीक है, चक्का है, गाड़ी का चक्का है, वो क्या करता है, ये कुछ रोटेट भी करता है इस तरह, ओमेगा से रोटेट भी करता है और वी से आगे भी बढ़ता है और इसका मास एम है, तो इसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, तो इसके घूमने का काइनेटिक एनर्जी अलग होता है और आगे बढ़ने का काइनेटिक एनर्जी अलग होता है, समझ में आ रहा है ना, घूमने का काइनेटिक एनर्जी, रोटेट करने का काइनेटिक एनर्जी अलग से होता है और इसको आगे बढ़ने का, कुछ डिस्प्लेस आगे करने का काइनेटिक एनर्जी अलग होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग होता है और लीनियर काइनेटिक एनर्जी अलग होता है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ाने वाला काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देंगे, तो ये अपनी जगह पर सिर्फ रोटेट करने लगेगा, ठीक है ना। और क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग सिर्फ इसको क्या करेंगे, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो कर देंगे और सिर्फ लीनियर काइनेटिक एनर्जी देंगे, यानी लीनियर वेलोसिटी देंगे, तो सिर्फ आगे जाएगा और यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से चक्का घिस जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कोई स्टूडेंट है जो हिंदी में वीडियो जानना चाहते हैं, इसी वजह से मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को, तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जो रुका हुआ एनर्जी होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी, जो चलता हुआ एनर्जी होता है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होता है, ये रोलिंग का कैसे, जहाँ पर हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालने के लिए, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा लीनियर काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं ये पावर का जो केस है उसके बारे में, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब बात यहाँ पर ये है कि पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, टाउ डॉट ओमेगा बेसिकली होता है, ठीक है, ये वेक्टर है, ठीक है ना, टाउ डॉट ओमेगा, पावर इज इक्वल टू, पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी हम लोग जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है हम लोग, स्केलर क्वांटिटी के जो लीनियर मोशन में होता था पावर, हम लोग कैसे निकालते थे, पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बटे डी टी, ठीक है, कितना वर्क डन कर रहा है कितने समय में, ठीक है, एक सेकेंड में कितना वर्क डन, मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है, कोई एरिया है इसमें से, ठीक है, कोई इसमें से, इस छिद्र में से, ठीक है, इस पॉइंट में से, इस सेंटर में से, एक सेकेंड में कितना एनर्जी पास हो रहा है, कितना एनर्जी इस एक सेकेंड में से पास हो रहा है, मतलब क्या इसका, मान लीजिए हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं, एक सेकेंड में कितना जूल एनर्जी को खत्म कर दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक सेकेंड में कितना कर रहे हैं, फिजिक्स से इसे मतलब नहीं है कि बर्बाद कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम लोगों को सोचना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स को इससे मतलब है कि कितना कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक सेकंड में हम लोग 10 जूल वर्क रन कर रहे हैं, तो हम लोग का पावर कितना हुआ 10, जैसे हम लोग 10 वाट का बॉल ले आते हैं, 20 वाट का, 100 वाट का, तो वो एक सेकंड में क्या करता है, 100 जूल एनर्जी को खत्म कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ललका बॉल होता है उसको नहीं यूज करिए, जो उजर का बॉल होता है ना, व्हाइट वाला जो एलईडी बॉल चला है, वो कम एनर्जी लेता है, वो कम वाट का होता है इसी वजह से, ठीक है। तो ये तो था लीनियर मोशन में, जैसे हम लोग यहाँ पर भी निकालते थे क्या, पी इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर,
ये था। अब एफ की जगह टाउ टाउ वेक्टर डॉट लीनियर वेलोसिटी की जगह पर ओमेगा, तो यहां पर ये हो गया। लेकिन हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कैसे। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन, क्या होता है टाउ, ठीक है, वर्क डन क्या होता है टाउ इंटू डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। अब टॉर्क तो बेसिकली कॉन्स्टेंट होगा तो बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद डी थीटा बटे डी टी क्या हो जाएगा टाउ वेक्टर डॉट, ये क्या होता है डी थीटा बटे डी टी ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन में चेंज इन टाइम, तो क्या हो जाएगा ओमेगा होगा, सॉरी ओमेगा ओमेगा वेक्टर। ये पावर का फॉर्मूला हो गया बेसिकली, ठीक है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना भूल गया था कि जब टाउ कांस्टेंट होगा, टॉर्क कांस्टेंट होगा, जैसे हम लोग वहां पर फोर्स कांस्टेंट होता था तो लिख देते थे क्या, तो एफ डॉट एस वेक्टर इस तरह लिखते थे जब फोर्स कांस्टेंट होता था। और यहाँ पर टाउ कांस्टेंट होगा तो क्या लिख देंगे टाउ वेक्टर डॉट थीटा वेक्टर, ठीक है। थीटा आप लोगों को देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन डाइजेस्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना, समझ जाएगा ना। ओके तो यहाँ तक तो हो गया बेसिकली। अब वर्क इनर्जी थ्योरम हम लोग देखते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स में। आप लोग आपसे कह रहे हैं अजीब अजीब चीज देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर यही है, कुछ नहीं है। जो हम लोग पढ़ते थे लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ये सब, उसी को हम लोग एंगुलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, सिंपल चीज है। जहां पर हम लोग मीटर में चलते थे तो यहाँ पर रेडियन में चलना पड़ रहा है, डिग्री में नहीं चलना पड़ रहा है, रेडियन में, ठीक है, रिवोल्यूशन में चलना पड़ता है इस तरह। वहां पर क्या था मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इस तरह, लेकिन यहाँ पर एंगल में चलना पड़ता है, ठीक है ना। एंगुलर एनर्जी देखते हैं, एंगुलर एनर्जी यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये प्योर रोटेशन के लिए वैलिड है ओनली, ठीक है। ये जो चीज है वो ये प्योर रोटेशन के लिए वैलिड है। तो ये क्या चीज के लिए वैलिड है, सिंपल सिर्फ प्योर रोटेशन के लिए। जब क्या बॉडी सिर्फ प्योर रोटेशन करे, मैं आप लोगों को समझा चुका हूं प्योर रोटेशन कब होता है। मान लीजिए ये एक रॉड है, ठीक है, ये क्या कर रहा है ओमेगा से घूम रहा है, तो इसके पास सिर्फ रोटेशनल रोटेशनल मोशन है, उसके अलावा लीनियर मोशन नहीं है, ठीक है। इसका एक पार्टिकल का देखेंगे तब, लेकिन टोटल बॉडी का देखेंगे तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के फाइंड कर सकते हैं। इसके पास सिर्फ क्या है तो रोटेशनल मोशन है, ठीक है, लीनियर मोशन नहीं है। अच्छा पंखा के पास क्या होता है, पंखा के पास जो फैन होता है, फैन फैन समझते हैं ना, पंखा कैसा होता है, तो मैं आप लोगों को एक बार बना के दिखा भी चुका हूँ। ये कुछ इस तरह का होता है, यहाँ से ये फैन हो गया और ये एक हो गया और यहाँ पर एक हो गया, ठीक है, इस तरह का कुछ होता है। ये रोटेट करता है अपने एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये यहाँ से इस एक्सिस से कहीं इधर नहीं जा रहा है, पश्चिम दक्षिण पूर्व कहीं पर भी नहीं जा रहा है, ईस्ट वेस्ट कहीं पर भी नहीं जा रहा है, वो इसी एक्सिस उसी पॉइंट पर है और गोल 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 नाच रहा है, हम लोगों को हवा दे रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर इसके पास सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके तो बेसिकली मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सोचते हैं क्या कि जब बॉडी मूव कर रहा है तो उसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए। जब होगा तब होगा जब एक पार्टिकल को देखेंगे, एक पार्टिकल का मोशन देखेंगे तब, ठीक है, उस समय क्या होगा सिर्फ हम लोग वहां पर लीनियर मोशन कंसिडर करेंगे उसका। लेकिन जब हम लोग टोटल रिजिड बॉडी का देखते हैं ना, तब हम लोग को वहां पर कॉम्प्लेक्स चीज हो जाता है। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को प्रूफ बताया ना, उसी अप्रोच के साथ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, हम लोगों को इजीली मिल जाता है। जब रोलिंग होता है तो वहां पर हाफ एम वी स्क्वायर भी काम करता है और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों को मिक्सचर बनाया जाता है, दोनों को क्या किया जाता है, दोनों का अलग अलग निकाल के उसके बाद किया जाता है। देखिए हाफ हाफ आई सॉरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या होता था, वो घूमने का शक्ति होता था, क्या होता था घूमने का शक्ति, ये जो होता था ना यहाँ पर ये वी होता था ये ओमेगा होता था, तो ये ओमेगा क्या है इसको घुमाने का शक्ति है, ठीक है, टॉर्क मतलब घुमाने का, और जो फोर्स होता है वो बढ़ाने का, ठीक है, टॉर्क मतलब घुमाने का, फोर्स होता है मतलब आगे बढ़ाने का। फोर्स की वजह से कोई बॉडी आगे बढ़ता है, मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी है तो ये क्या करेगा आगे की तरफ जाएगा, और ये क्या करेगा रोल करेगा, तो रोलिंग में क्या होता है सॉरी घूमेगा, ओमेगा की वजह से घूमेगा और वी की वजह से क्या करेगा तो आगे की तरफ जाएगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग, ठीक है, प्योर रोटेशन जब होगा वहां पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्योर रोलिंग होगा जब सॉरी जब प्योर लिनियर होगा तो वहां पर हाफ एम वी स्क्वायर, जब प्योर रोलिंग होगा तो वहां पर दोनों, ठीक है ना, समझ में आ गया। आप देखते हैं ये वाला, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहां पर ये निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है कैसे,
तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हुए हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पढ़े हुए हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल टाउ डी टी, टॉर्क की जगह, टॉर्क की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, आई अल्फा इंटू डी थीटा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टर्म है ना, ये वाला, ये क्या है, तो बेसिकली ये जो आई है वो कांस्टेंट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हम लोग ये पढ़े हुए हैं ओमेगा डी ओमेगा बटे डी थीटा, सॉरी डी थीटा, हाँ ये पढ़े हुए हैं ना। नहीं समझ में आया कैसे आया, देखिए मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ ये कैसे आया है। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बटे डी टी, तो ये जानते होंगे ना, ओमेगा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बटे डी टी, तो क्या हो जाएगा, सॉरी क्या करेंगे हम लोग, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चीज से, तो डी थीटा से, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे डी थीटा से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई असर नहीं पड़ता इक्वेशन पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म होगा ना, ये वाला, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा डी थीटा बटे डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो डी ओमेगा बटे डी थीटा, अल्फा का वैल्यू ये है ओमेगा डी ओमेगा बटे डी थीटा, तो यहाँ पर ये भी पुट कर सकते हैं, तो हम लोग यही पुट करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओमेगा डी ओमेगा बटे डी थीटा इंटू डी थीटा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, आई ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब ओमेगा इनिशियल टू फाइनल देखना है, ठीक है, वर्क डन टोटल हम लोग निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस यानी टोटल वेरिएबल है, टॉर्क वेरिएबल है, इसके वजह से हम लोग यहाँ पर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ओमेगा इनिशियल से लेकर फाइनल तक क्या हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर बटे टू यानी हाफ, इधर लिख देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो ओमेगा इनिशियल से लेकर फाइनल तक, जैसा इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। ये क्या चीज के लिए सिर्फ वैलिड है, तो ओनली रोटेशन, प्योर रोटेशन के लिए वैलिड है, ठीक है, प्योर रोटेशन के लिए, मैं बार बार लिख रहा हूं ये वर्ड, प्योर रोटेशन, रोलिंग में आप लोग नहीं लगाइएगा ये, ठीक है, सिर्फ प्योर रोटेशन के लिए, जब प्योर रोटेशन, और हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रोटेशनल मोशन कंसीडर करना पड़ेगा ना, सिर्फ रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन है, सिर्फ रोटेशनल मोशन, तो हम लोग वहां पर सिर्फ लगाएंगे क्या चीज, रोटेशनल मोशन का जितना टॉपिक है सबको उसमें ठूस देंगे, और जो लीनियर होगा तो उसमें सबको एक तरफ कर देंगे, ठीक है, और जब रोलिंग होगा तो उसमें हम लोगों को दोनों सोचना पड़ेगा, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हुए है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हुए है, जितना पिछला पढ़े हुए सबको रिवीजन करना पड़ता है, रोटेशनल मैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोगों को टोटल जितना पीछे का फिजिक्स पढ़े होंगे और उससे रोटेशन से सबका सब रिवाइज हो जाता है, टोटली रिवाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ गया, और बेसिकली वही है जो हम लोग वहां पर पढ़ते थे, यहां पर एंगुलर फॉर्म में दिया गया है, वहां पर लीनियर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए जब फिजिक्स पढ़ते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल करना बनता है, इसी वजह से मैं आप लोगों को करा देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इजी है, क्या है, तो एक रॉड है जिसको एक एंड के अक्रॉस फिक्स किया गया है, उसको एंगुलर स्पीड ओमेगा यानी 2 रेडियन पर सेकेंड की रफ्तार से उसको घुमाया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है, मास उस रॉड का 10 kg, लेंथ 2 meter, तो हम लोगों को फाइंड करना है इसका काइनेटिक एनर्जी, कैसे फाइंड करेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी किताब में लिखा रहेगा, ठीक है, फाइंड करिए काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करेंगे रोटेशनल, इसके पास देखिए काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्म का होता है, मैं आप लोगों को बता दूं काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्म का होता है, कौन कौन सा फॉर्म, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो उन दोनों में से आप लोगों को देखना होगा वो क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रोटेशनल सिद्ध दिया है क्योंकि ये फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है, इसके वजह से, तो यहाँ पर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई, आई का वैल्यू कितना होता है, एक एंड के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड कितना होता है, तो एम एल स्क्वायर बटे 3, बीच सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस कितना होता है, एम एल स्क्वायर 12, तो मास कितना है 10 kg, लेंथ कितना है 2 meter, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा, ये 2 जा और ये 80 बटे 3 जूल इतना हो जाएगा, ठीक है ना, इतना इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये तो हो गया, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, टाउ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब क्या, टॉर्क जो है ना वो डिपेंड कर रहा है थीटा पर, थीटा का वैल्यू जब 2 radian तो कितना होगा, सॉरी यहाँ से हम लोगों को पूछा गया है वर्क डन, बेसिकली पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बिटवीन थीटा इज इक्वल टू 2 to 4, मतलब 2 से लेकर 4 radian तक जाने में उस टॉर्क की वजह से कितना वर्क डन हुआ, उस फोर्स, जो फोर्स की वजह से टॉर्क बनता है आप लोग जानते हैं आर क्रॉस एफ, तो उस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ ये देखना है। तो कैसे निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल टाउ डॉट डी थीटा, इंटीग्रल
टाउ स्क्वायर प्लस फाइव थीटा इंटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे, लिमिट कैसे रखेंगे, तो टू से लेकर फोर तक, टू से लेकर फोर तक, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा क्यूब बटे थ्री प्लस फाइव थीटा स्क्वायर बटे टू, कहाँ से कहाँ तक, तो टू से लेकर फोर तक, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर ले जाते हैं, तो जैसे फोर पुट करेंगे तो 64 हो जाएगा माइनस, फिर टू पुट करेंगे तो एट हो जाएगा डिवाइडेड बाई थ्री प्लस फाइव इंटू फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो फोर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपको, तो 56 बटे थ्री प्लस ये हो जाएगा 12 और 60 बटे 2, ओके, तो कितना हो जाएगा बेसिकली, तो ये तो 30 हो जाएगा ना, 30 बटे 1, तो 56 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 3 यानी हो गया 6 और 9 5 14 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये नहीं कटने वाला है, ठीक है, बेसिकली आप लोग पॉइंट में आ जाएगा आंसर, जितना वर्ड डन होगा आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इतना वर्ड डन ये करेगा, कितना इंटरवल पे, 2 रेडियन से लेकर 4 रेडियन तक, मान लीजिए क्या है कि ये एक रॉड है, यहाँ पर क्या है, एक रॉड है, फिक्स है, ये ही मार्कर है, यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन का डिस्प्लेसमेंट करने, ठीक है, 2 से लेकर 4 रेडियन तक ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको यही 2 रेडियन, ठीक है, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 रेडियन, लेकिन 2 से लेकर 4 तक, क्योंकि टॉर्क डिपेंड कर रहा है थीटा पर, इसकी वजह से हम लोग क्या करना पड़ा है, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ा है, तो इसको 2 रेडियन डिस्प्लेस कराने में 2 रेडियन से लेकर 4 रेडियन, 2 रेडियन जो कोऑर्डिनेट समझ लीजिए, पॉइंट जो है ना 2 रेडियन, एंगल जो है ना 2 रेडियन, उससे 4 रेडियन तक ले जाने में 2 रेडियन, देखिए ये क्या एकदम 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 से लेकर 4 तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये हम लोग यहाँ पर फाइंड किए, 146/3 जूल, ये हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम लोग क्या दिया गया है, सिंपल, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया गया है कि फाइंड p पावर, ठीक है, एट दिस इंस्टेंट, ये जो इंस्टेंट हम लोगों को दिया गया है, जब रॉड का वेलोसिटी v है, लीनियर वेलोसिटी, और मास m है, लेंथ l है, हम लोगों को क्या निकालना है, तो बेसिकली पावर निकालना है, टॉर्क भी दिया गया है, लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू भी दिया गया है, मास का वैल्यू दिया गया है, लेंथ का वैल्यू दिया गया है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे जो हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, पावर का फॉर्मूला क्या है, तो टाउ इंटू ओमेगा है, अब ये ओमेगा कहाँ से लाए, तो ओमेगा हम लोग कैसे लाएंगे, देखिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, अब यहाँ पर हम लोगों को आर ओमेगा कैसे लगाएंगे, तो हम लोग एक ही मास का कॉन्सेप्ट करना है कि कितना ओमेगा से घूम रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल मास का वैल्यू दिया गया है m, तो कैसे कर निकालेंगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास देखेंगे, टोटल मास यहाँ पर मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास पर, यहाँ से इसका लेंथ देखेंगे तो l बाई टू पर होता है, हम लोग जानते हैं, ड्राइव कर चुके हैं सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में, तो यहाँ पर r का वैल्यू l बाई टू, सॉरी हाँ, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा, v का वैल्यू कितना है, तो 10, कितना है 10, ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 20/L, L का वैल्यू 1 मीटर यानी 20 रेडियन पर सेकेंड है, ओमेगा का वैल्यू, टॉर्क का वैल्यू कितना है, टॉर्क, तो टॉर्क का वैल्यू आप लोगों को दिया गया है 10 न्यूटन मीटर, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क 10 इंटू 20 यानी 200 वाट, वाट, ठीक है, जेम्स वाट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसी के नाम पर क्या पड़ गया है, तो वर्क सॉरी पावर का ऐसा यूनिट, ठीक है ना, अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन जो वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशन का जो है उस पर बेस्ड है, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन में फिर यहाँ पर क्या दिया गया है कि अ रॉड इनिशियली एट रेस्ट, ये एक रॉड है, ये इनिशियली रेस्ट में, अच्छा रेस्ट में रुका हुआ है, तो इसको घुमाना है, तो टॉर्क की जरूरत पड़ेगा, ठीक, टॉर्क की जरूरत पड़ेगा, फाइंड वर्क डन टू अचीव द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड, मतलब इसको जब एंगुलर जो स्पीड है वेलोसिटी वो कितना है 20 रेडियन पर सेकेंड पाने के लिए इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन क्या हम लोग फॉर्मूला पड़े, वर्क डन ऑल फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, तो ये इनिशियली तो रेस्ट में, तो ये टर्म टोटली 0 हो जाएगा, तो हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड यूनिफॉर्म रॉड बेसिकली, तो क्या होगा ml स्क्वायर / 12, मास का वैल्यू कितना है
कितना होता है भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो एम एल स्क्वायर बटे 12, मास का वैल्यू 2 kg, एल का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 12 इंच ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है इसका तो 20 रेडियन पर सेकंड फाइनली, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है तो 400, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 43 जा 2 से 2 गया यानी 400/3 जूल का वर्क डन इसको करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब लगभग लगभग कितना तो 133.33 जूल इसको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना वर्क डन करेगा तब वो इनिशियली 0 से लेकर ओमेगा इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकंड की रफ्तार से वो घूमने लगेगा, एक सेकंड में 20 रेडियन घूमेगा, इतना वर्क डन करेगा तब, ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।